देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, डीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। बात करते हैं सबसे पहले दरभंगा नगर निगम बोर्ड बैठक की। शहर की उम्मीद की, लगभग तीन माह पहले चुनाव हुआ, स्थायी समिति की बैठक, उसके बाद बोर्ड की बैठक में कई प्रस्ताव। सबसे बड़ी चुनौती होगी, चुनौती पानी की, चुनौती सफाई की, चुनौती जल जमाव से निपटने की। आगे रामनवमी तो एक दिन है, रमजान महीना भर है, ऐसे में तपती गर्मी में प्यास कैसे बुझेगी जनता की, इस संदर्भ में सबकी निगाहें। और सबसे बड़ी जो चरमराती व्यवस्था है, बेपटरी है, यातायात व्यवस्था, लचरती जो व्यवस्था है उसको पटरी पर लाने की कवायद कैसे निपटेगा यह टीम, नई टीम, सबकी निगाहें नगर निगम बोर्ड बैठक पर। इसमें से क्या निष्कर्ष निकलता है, किस समस्या का निदान होता है, कौन पाइपलाइन में फंस जाता है और किस पर अमल करते हैं शहर के 48 पार्षदगण, महापौर और उप महापौर के नेतृत्व। अब बात करते हैं भूमि विवाद एवं विधि व्यवस्था से संबंधित बातों को लेकर। जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में सभी एसडीओ एसडीपीओ एवं एसएचओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई, समीक्षात्मक। जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में भूमि विवाद से संबंधित मामले और मद्य निषेध अभियान को लेकर जिलाधिकारी के कार्यालय में बैठक की गई। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी और थाना अध्यक्ष को भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बारी बारी से अंचलों के लंबित भूमि विवाद की समीक्षा की। उन्होंने भूमि विवाद के निष्पादन हेतु संबंधित वार्ड टोला में कैंप लगाकर विवाद निपटारा करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भू समाधान पोर्टल पर अपलोड सभी मामलों का निष्पादन तीव्र गति से की जाए। मद्य निषेध अभियान के संबंध में उत्पाद अधीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि जिले में पूर्व से चिन्हित स्थलों पर लगातार छापेमारी निगरानी जारी है। ब्रेथ एनालाइजर का प्रयोग भी किया जा रहा है। जब्त वाहनों की नीलामी के लिए विज्ञापन भेजा गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि जब्त वाहनों की नीलामी में विलंब न किए जाएं, साथ ही जब्त शराब के विनिष्टीकरण का आदेश लेकर जल्द से जल्द विनिष्टीकरण किए जाएं। जनता दरबार, जी हां, शुक्रवार को जनता दरबार लगता है। बड़ी पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में कई फरियादी आए, अपनी बात रख। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जनता दरबार लगा। जमीनी विवाद से लेकर मारपीट, हत्या, सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान एक ही समुदाय के लोगों के बीच आपसी विवाद के कारण मारपीट में अब तक न्याय नहीं मिल सका सहित अन्य कई बातों की शिकायत लेकर पहुंचे थे फरियादी। समस्या ये, सरस्वती पूजा के दरमियान 23/2/2023 को विसर्जन के दरमियान हम लोगों को जो है सर एक तरफा मार लगा, जिसमें हमारे कुछ चाचा जी को, चाची भी हैं, कुछ भाई भी हैं, उन लोगों को जो है हरबे हथियार से मारा, जिसका जो है कपार भी फट गया, हाथ भी टूट गया, जिसमें हाथ में स्टील भी लगा। हम लोगों ने प्रभारी महोदय से भी अर्जी किए, उसके बाद जो है सुपरविजन में इंस्पेक्टर साहब से भी अर्जी किए, प्रभारी साहब के द्वारा भी उसमें जो है हमारे सर को फाड़ने के बावजूद भी उसमें जो है 307 का दफा नहीं लगा, और प्रभारी साहब के मेल में आकर के जो लोग मारा उस पर उन लोगों को जो है लीगल नाम भी छांट दिया गया। की दिक्कत है? झगड़ा लड़ा, मेरा पति नहीं है और दो एक बेटा एक बेटी है, उनके साथ मेरे साथ मारपीट ज्यादा करता है 3 साल से। मेरे देवर भी मारा पीटा और बोलता है जे जाओ अपना घर, नहीं हर तुम नहीं हर क्या घर ही भागे, और वो बाहर चला गया, वो अपना ससुर से और बेटी और उसको घर वाली, हम भी नहीं है, मेरा पति मर गया 3 साल हो गया, पति का देहांत हो गया। हाँ, और बोलते हैं जाओ यहाँ से, तेरा क्या है, आप लोग को घर में नहीं रहने दिया जा रहा? ना, घर से भागा, 10-15 रोज से ये हल्का में बीता लिए, 10 रोज से हम दूसरे के घर में बच्चा सबके लोग सोते थे। ससुराल वाले आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं? हाँ, छोटे दी आदमी और छोटे देवर। क्या आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? पति मेरे के लिए तो बोलू भाग यहाँ से, तेरा कोई अधिकार नहीं है, जो हम कहेगा सो करे, नहीं करते है तो उसलिए मारपीट करते हैं। मर्डर केस का मामला है, हम लोगों को न्याय चाहिए। किसका मर्डर हुआ? हमारी माँ का। तो किनको जानते हैं, किन लोगों ने ये किया, ये सब घटना को अंजाम दिया? जानते हैं, उसमें मुदालब भी किए हुए हैं केस में। तो इसमें क्या चाह रहे हैं? हम लोगों को न्याय चाहिए,
न्याय के रूप में क्या चाहिए? अभी तक धर पकड़ कुछ नहीं हुआ है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई ना। थाना पे आवेदन किए थे? जी जी। दोबारा आए हैं? क्या दिक्कत? 27 जनवरी के जो है सरस्वती पूजा की विसर्जन के दौरान में मारपीट, अचानक एक तरफा जो है हमारी तरफ से 4 आदमी के फोर्सा से काट दिया गया और एक आदमी के रड से मार का हाथ फ्रैक्चर कर दिया जिसको स्टील लगा है। और इससे पहले मैं 25 तारीख आवेदन एसपी साहब यहाँ लगाए थे तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो हम सोचे एक बार आकर मिल लेते हैं अभी, फिर इसी लेकर जो हम डबल में आए हैं मिलने के लिए एसपी साहब से। क्या चाह रहे? चाह रहे हैं कि उन लोग की गिरफ्तारी होना चाहिए और सुपरविजन में जो 4 आदमी के जो मेन मुजरिम है उसको जो नाम छांट दिया वो नाम हम जुड़वाने के लिए। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, पहले ब्रेक है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार, हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ, आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। वही भरोसा वही विश्वास, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेश करता है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि 15 रुपया में चले 121 किलोमीटर, प्रदूषण मुक्त दरभंगा बनाने में युवराज एजेंसी अब आपके साथ लाया है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, वह भी कैश और फाइनेंस पर मात्र 5 से 10 हजार रुपए के न्यूनतम डाउन पेमेंट में। इसके साथ ही आसान सी किस्तों में मात्र 1 घंटे के अंदर लोन पर खुशियों की चाबी आपकी गाड़ी आपके पास, यानी कि चलकर आइए चलाकर जाइए की सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्रत्येक गाड़ी के खरीद पर विशेष आकर्षक उपहार युवराज एजेंसी और कंपनी की ओर से ग्राहकों को हर हमेशा बचत और उपहार दिया जाता है। ऑटोमेटिक यंत्र के द्वारा सर्विस सुविधा उपलब्ध है, वह भी कुशल और प्रशिक्षण प्राप्त मैकेनिक के द्वारा। तो आप हो जाइए तैयार अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाने के साथ साथ दरभंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए। संपर्क करें एम्पियर बाई ग्रिप्स, पता युवराज एजेंसी, द स्मार्ट फ्यूचर, सैदनगर लहरिया सराय दरभंगा। शोरूम का मोबाइल नंबर 9473118689, वर्कशॉप का मोबाइल नंबर 8294500443, अधिक जानकारी के लिए 7004839199 पर कॉल करें। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट, गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नेट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः सबका स्वागत है, हम बढ़ते हैं आगे। और बात एक रात पहले की, एक दाम पहले की, महाराजी को जैसे चौंकर एक बात के बाद जल्द शुक्रवार संजय झा के द्वारा के लिए सोचने का।
दरभंगा महाराजी पुल स्थित सुहंकरपुर के पास जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा के द्वारा 9 योजनाओं का शिलान्यास किया गया फीता काटकर। वहीं इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, नगर विधायक संजय सरावगी सहित कई नामचीन लोग उपस्थित थे। मैं इस संस्कृत के पालन भूमि स्वागत कर रहे हैं। अजय सभी से आग्रह, जदयू के नेता श्री लोग आशा करते हैं वहाँ स्नान करने के लिए। वहाँ पर हम लोगों ने एक बड़ा घाट दिया है और आज मैं गया था देखने के लिए उस काम, और मेरे ख्याल से अप्रैल के अंत में 15 मई तक वो काम पूरा हो जाएगा उस घाट। और हमने ये भी देखा पानी ठीक से नहीं है, उसको खुदाई भी कर देने के लिए कम से कम 4 से 5 फीट पानी रहे जो लोगों को नहाने में दिक्कत नहीं। ये वही देखने गए। कितने की लागत से बनाई जा रही है? मेरे ख्याल से वहाँ 2.5 करोड़ के आसपास है, एग्जैक्ट फिगर हमारे पास नहीं है। यहाँ किन किन योजनाओं का शिलान्यास किया गया? आपको दे देंगे अभी कागज। 9 योजना का है, कुछ मदन सहनी जी के क्षेत्र का है, कुछ शहर का है, कुछ दरभंगा ग्रामीण का है, और जो कुछ काम और आया है। कैसे चट्टी चौक पर हमारा काम पूरा हो रहा है? ये काम हम जल संसाधन विभाग का नहीं था, नाला से पानी निकाल ले, अब काम हो रहा है ना फाइनल। कितना प्रॉब्लम वहाँ भी काम कराने में, अब लगभग फाइनल है और मेरे ख्याल से वो भी अप्रैल तक वो काम कंप्लीट हो जाएगा। और दरभंगा शहर के प्रोटेक्शन के लिए जो भी फ्लड में काम होगा, आज तो मैं इस सब के लिए आया हूँ, अलग से हम लोग डिपार्टमेंट पर रिव्यू करेंगे और जो भी इसमें काम लेना होगा वो हम लोग इस सीजन में। विकास मित्रों एवं पदाधिकारियों का विकास रजिस्टर 02 की भूमिका से संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। बिहार महादलित विकास मिशन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग बिहार पटना के बैनर तले यह कार्यक्रम हुआ। बिहार महादलित विकास मिशन, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार पटना के बैनर तले विकास मित्रों एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों का विकास रजिस्टर वर्जन 0.2 की भूमिका से संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षा गृह स्टेडियम में। ये पूरे दरभंगा जिला के जितने भी पंचायत है उनके विकास मित्र है, और नगर निगम जो क्षेत्र है या नगर परिषद का क्षेत्र है या नगर पंचायत का क्षेत्र है, तमाम जिन क्षेत्रों में हमारे कुल मिला के 347 विकास मित्र हैं, उन सभी को आज प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण यह है कि सभी विभागों के पदाधिकारी को भी बुलाया गया है। जो विभाग के पदाधिकारी हैं अपने विभाग की योजनाओं के बारे में विकास मित्रों को बताएंगे कि विकास मित्र उसमें जो SC/ST समुदाय के लोग हैं उन योजनाओं का लाभ उन तक वो कैसे दिला पाएंगे, उनकी क्या भूमिका होगी और कैसे इसको सफल कराएंगे। आज दरभंगा जिला में कार्यरत विकास मित्रों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा जो विशिष्ट नॉलेज इस संदर्भ में रखते हैं, हर बिंदुओं पर जन्म से लेकर मृत्यु तक सरकार की जो व्यवस्था है उसके बारे में विकास मित्रों को शिक्षित प्रशिक्षित किया जा रहा है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, पहले ब्रेक है। दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर राजकुमारगंज नियर पुअर होम अपोजिट वैदिक भवन इज हियर टू गिव विंग्स टू योर वर्ड्स एंड देयर ड्रीम्स टू मेक देम एंजॉय द एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग AC रूम्स, स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब्स एंड VIP रूम्स विथ फुल्ली AC क्लास लग्जरी सेटिंग फॉर प्ले क्लासेस। हियर वी ऑफर फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सेल इन देयर कैरियर लाइक इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट, मंथली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, रिवीजन सेशन बाय आवर वेल क्वालिफाइड एंड स्पेशलाइज्ड टीचर्स। वी हैव CCTV कैमरास, बायोमेट्रिक अटेंडेंस and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. Global Healthcare and Diabetes Research Center,
जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे। हनुमान नगर प्रखंड अंतर्गत सिंधवाड़ा गांव स्थित भगवती स्थान परिसर में महादेव मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन। हनुमान नगर प्रखंड अंतर्गत सिनुवाड़ा गांव स्थित भगवती स्थान परिसर में अजय शंकर चौधरी और उनकी धर्मपत्नी बेबी चौधरी के द्वारा भव्य महादेव मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन का आयोजन किया गया। धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यक्रम होता है तो उसके पीछे उल्लास तो होना ही है। और धर्म का मतलब होता है जो धारण करने जो, और अध्यात्म का मतलब हो जो परम सत्य का बोध करा। तो आप तब तक पंग ना जाना मैं किम दृशोषी महेश्वर या दृशोषी महादेव अवतार दिशाई नमो। उस परम सत्य के बारे में कोई जानता नहीं, लेकिन हम लोग उसमें छोटा सा आहुति देने का प्रयास कर रहे हैं। सीताराम स्वर्गीय सीताराम चौधरी उनके सुपुत्रों के द्वारा मंदिर का भव्य निर्माण करने की प्रयास कर रहे हैं, उससे महादेव हम लोगों को शक्ति दें ताकि हम उस परम सत्य तक पहुँच सकें। भोला बाबा का मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, बहुत हर्ष और उल्लास है पूरे गाँव में। हम लोग सब भाई मिलके आज पूजा में शामिल हैं। और बात आम का मंजर निकल रहा है और उम्मीद रहती है लोगों की, उम्मीद की इस बार फल अच्छा हो। बहरहाल आंधी और ओले और कीड़ों के प्रकोप से बचाने की कवायद, मंजर देखकर तो लगता है कि फल अच्छा होगा। बिहार के प्रतिभावान खिलाड़ियों को मिलेगा मौका और अनाधिकृत रूप से पंजीकृत खिलाड़ियों को खेलने पर होगी पाबंदी, कानूनी सम्मत कार्रवाई की जाएगी, फर्जी क्रिकेट संघ पर भी पैनी निगाह होगी। उपरोक्त बातें क्रिकेट एसोसिएशन के टूर्नामेंट कमेटी के संयोजक ज्ञानेश्वर गौत ने कही। बिहार के प्रतिभावान खिलाड़ियों को मिलेगा मौका, अनाधिकृत रूप से पंजीकृत खिलाड़ियों को खेलने पर होगी कानूनी सम्मत कार्रवाई, फर्जी क्रिकेट संघ पर होगी कानूनी कार्रवाई। उपरोक्त बातें बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के टूर्नामेंट कमेटी के संयोजक ज्ञानेश्वर गौतम ने दरभंगा पहुंच संवाददाता सम्मेलन के दौरान कही। बीसीसीआई द्वारा बिहार में क्रिकेट के विकास और खिलाड़ियों को खेलने हेतु सुविधा के लिए जो भी संसाधन की आवश्यकता होगी उसे बीसीसीआई हर संभव पूरा करेगी। हेमंत ट्रॉफी के बाद आगामी आने वाले दिनों में बिहार के 16 टीमें ये बीच सुपर लीग मैच होगा, जिसमें बेहतर प्रदर्शन के आधार पर 66 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। उसे बेहतर ढंग से प्रशिक्षित कर प्रतिभावान खिलाड़ियों की टीम तैयार की जाएगी। बता दें कि बिहार की टीम प्ले ग्रुप ले रही थी, लेकिन टीम द्वारा अच्छे प्रदर्शन के बाद एलिट ग्रुप में अपना स्थान बना चुकी है। अब बिहार का मुकाबला मुंबई और दिल्ली जैसी अन्य दिग्गज टीमों से होगी। उन्होंने कहा कि बिहार में 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण के लिए बीसीसीआई द्वारा हरी झंडी मिल गई है। इसके लिए 350 करोड़ की राशि भी जल्द विमुक्त की जाएगी। स्टेडियम के निर्माण के लिए जमीन की आवश्यकता बताई गई है, जिसे उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अपने तमाम पदाधिकारियों का, जिन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक लीग मैच का जो प्रथम चरण था उसको पूरा किया। आगामी 14 मार्च यानी 4 दिन बाद हम लोग सुपर लीग का की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो क्रिकेट के बारे में जो कुछ बेसिक्स हैं, किन परिस्थितियों में आज की तारीख में बिहार का क्रिकेट चल रहा है, हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने अध्यक्ष आदरणीय राकेश कुमार तिवारी जी का, जिनके नेतृत्व में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने एक नई ऊंचाई हासिल की है। हम लोग इस बार प्लेट ग्रुप में चैंपियन हुए हैं और इस बार हम प्लेट ग्रुप से प्रमोट होके इलीट ग्रुप में खेलने जा रहे हैं। उपलब्ध हो जाए अगर तो विशेष, और जमीन की उपलब्धता के लिए अगर 35 वर्ष का लीज हमको मिल जाता है तो हम लीज के आधार पर भी जमीन ले सकते हैं,
और अगर सस्ते रेट में जमीन हमको अवेलेबल हो जाए तो हम उसको परचेज भी कर सकते हैं। इसके लिए कितना जमीन उपलब्ध होना चाहिए सर? मोटा मोटी 10 बीघा के करीब में जमीन, जैसे स्टेडियम के लिए 150x150 स्क्वायर मीटर जमीन की आवश्यकता होती है। स्क्वायर मीटर है ना? स्क्वायर मीटर। और क्या चीज ऐसी है जिसकी आवश्यकता स्टेडियम इंटरनेशनल? देखिए, इंटरनेशनल स्टेडियम का जो पहला क्राइटेरिया वो ये है कि वहाँ पे एयरपोर्ट होना चाहिए, और दरभंगा को ये सौभाग्य प्राप्त है कि दरभंगा में एयरपोर्ट पहले से है। और बात 2 दिन पहले होली के दिन घटी घटना जिसमें 4 बच्चे बचा लिए गए राज परिसर गंगकाली मंदिर के पास, 1 की मौत हो गई। यहाँ कई जाबाज युवक जिन्होंने भले ही उस बच्चे को बचा न पाए लेकिन 2 घंटे के अंदर सबको गोताखोर भले न हो लेकिन अपनी तकनीक से उसे निकाल लिया। विश्वविद्यालय थाना प्रभारी भी काफी उत्सुक दिखे, वे स्वयं पानी में जाने के लिए तैयार थे, उन्होंने वर्दी भी खोल ली थी। अलग बात है कि बच्चे का सब निकाल लिया गया लेकिन सराहना की हौसला जीतता है। अलग बात है कि हर समय सफलता नहीं मिलती, हिम्मत हो जज्बा हो तो आगे बहुत संभावनाएं। होली के दिन रंगों के बीच दरभंगा में देखते ही देखते एक बच्ची की ग्रुप माता में बदल गया। दरअसल 5-6 बच्चों का एक ग्रुप होली खेलने के बाद राज परिसर के कंकाली मंदिर परिसर पहुंचे और सभी बच्चे तालाब में जाकर स्नान करने लगे। इसी बीच एक बच्चे का संतुलन बिगड़ गया और वह पानी की गहराई में चला गया, तालाब में डूब गया। बाकी सभी बच्चे किसी तरह तालाब से बाहर निकले और तत्काल इसकी सूचना अगल बगल के लोगों को दी गई। तत्काल लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। कुछ लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को भी दी ताकि एनडीआरएफ की टीम डूबे बच्चे को तुरंत निकाल सके, लेकिन मदद में देरी के कारण लोगों ने खुद स्थानीय मछुआरे के सहारे बच्चे के शव को तालाब से निकाला और आनन फानन में पुलिस की जीप में डालकर दरभंगा अस्पताल भेज दिया। मृतक की पहचान पुष्कर कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि पुष्कर अलीनगर मोहल्ले का रहने वाला है और अपने दोस्तों के साथ होली खेलने निकला था जो इस हादसे का शिकार हो गया। मौके पर मौजूद निवासी मीना झा ने पुलिस प्रशासन पर जबरदस्त अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि 1 घंटे से वे पुलिस प्रशासन को सूचना दे रही हैं, लेकिन अभी तक कोई यहां नहीं पहुंच पाया था। ऊपर से यह भी बताया जा रहा है कि दरभंगा जिले में फिलहाल 1 भी एनडीआरएफ की टीम नहीं है। ऐसे में कमिश्नरी वाले दरभंगा के लिए दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि 5-6 पहर पीछे यहां होली के बाद स्नान करने पहुंचे थे जिसमें एक बच्चा तालाब में डूब गया, बाकी बच्चे तो किसी तरह बच गए लेकिन एक परिवार में होली नहीं मनाई गई। यह दुखद है, प्रशासन छोटे छोटे चीजों पर ध्यान नहीं देते जिससे हादसा होता है और बचाव के भी उपाय नहीं होते हैं। हालांकि घटनास्थल पर पुलिस के साथ पहुंचे सदर प्रखंड के अंचला अधिकारी इंदिरा संसार ने बताया कि 5-6 बच्चे होली खेल रहे थे और इसी दौरान जब वे स्नान करने पहुंचे तो एक का संतुलन बिगड़ गया और वह बच्चा डूब गया। हालांकि वहां पर मौके पर ही पहुंचे थे दरभंगा सदर थाने की थाना प्रभारी भी और एनडीआरएफ की टीम के लेट होने में और नहीं आने की वजह से थाना अध्यक्ष खुद ही तैयार हो गए थे बच्चे को बचाने के लिए। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा पहले हमको सूचना गया कि दीदी एक बच्चा डूब गया। हम जब तक आए हैं तब तक जितना हमको समझ में आया 2-4 बच्चा को अंदर दिए हैं, देखो मगर कहीं था नहीं लग रहा है। लगातार प्रशासन से संपर्क में है, कुछ प्रशासन मेरे फोन उठाए हैं, जवाब दिए हैं, ढूंढ रहे हैं लोगों को, फोन उनका नहीं है। मगर दरभंगा में एनडीआरएफ की टीम सिर्फ पानी है, जब बरसात आएगा तब रहेगा, अंधीना नहीं रहता, एकदम रहना चाहिए। दूसरी बात है, बोल रहे हैं प्रशासन से बात हुआ है तो उन्होंने हमको बोला है कि जब पानी आएगा बाढ़ आएगा तब आएगा रहेंगे, आपदा कोई आ जाएगा तब एनडीआरएफ की टीम पटना में रहेंगे नीतीश बाबू को उठाने के लिए। कितने बच्चे स्नान करने गए थे या कितने बच्चे डूबे हैं? 6 बच्चे स्नान कर रहे थे जिसमें 5 बच्चे निकले हैं, 1 बच्चे अंदर चले गए। जो बच्चे सबसे बड़ी बात है कि जब जनप्रतिनिधि लोग बैठते हैं डीएम साहब के पास उनको इस मुद्दा पर ध्यान देना चाहिए। छोटा छोटा बात हम लोगों के शहर में के लिए उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। मगर अब जो कोई बैठक होगा उसमें जरूर मीना झा की तरफ से ये बात उठेगी, क्योंकि इसलिए कि आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि किसी के घर में होली नहीं मना, एक बच्चा डूब गया, इससे बड़का दुर्भाग्य क्या हो। बच्चे को आज होली के टाइम में वो स्नान कर रहे थे
वो उनका पैर धीरे धीरे पानी में ही वो रख के अपना स्नान कर रहे थे, फिर फोटो वगैरह खींच रहे थे। उसी में एक बच्चे का पैर फिसल गया, वो भीतर चला गया, चार को बाहर रहे जिसको और लोगों ने निकाला, और एक बच्चा भीतर चला गया है, उसकी खोज की जा रही है लोकल गोताखोर। नमस्कार,